हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम शेक्सपियर को एज ए ड्रामेटिस्ट डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। विलियम शेक्सपियर को पूरे वर्ल्ड में एक ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है। शेक्सपियर ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 39 प्लेस, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और कई सारे और वर्सेस लिखे हैं। और शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देते हुए बेन जॉनसन लिखते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। अब हम शेक्सपियर के ड्रामेटिक जीनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर के ड्रामेटिक जीनियस का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था उनका यूनिवर्सलिटी। शेक्सपियर के अलावा ऐसा कोई ड्रामेटिस्ट नहीं है जिसने इतनी ईजीली और प्रोफाउंडली सभी ह्यूमन हार्ट्स को छुआ हो। एक ट्रू पोएट हमेशा हमारा कंटेम्पररी होता है और शेक्सपियर एक ट्रू पोएट थे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर कोई पर्टिकुलर एज को बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो सभी टाइम और सभी पीपल के हैं। शेक्सपियर का यूनिवर्सलिटी हम उनके कैरेक्टराइजेशन में देख सकते हैं। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स कोई एक पर्टिकुलर आइडिया या फेथ को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो रियल मैन और वुमेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर का ओथेलो एक ऐसे सोल को रिप्रेजेंट करता है जो कि अपने लवर के धोखे से टॉर्मेंटेड हो गया है। और उसी तरह शेक्सपियर का और एक कैरेक्टर साइलॉक एक ऑप्रेस्ड ज्यू को रिप्रेजेंट करता है। शेक्सपियर केवल एक प्लेराइट ही नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन पोएट भी थे। और क्योंकि शेक्सपियर में एक प्लेराइट और पोएट का दोनों का मिश्रण था, इसीलिए वो अपने प्लेस के जरिए फीलिंग्स और थॉट्स को बहुत ही आसानी से कन्वे कर पाते थे। और शेक्सपियर जिस तरह से ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे, उस तरीके से और किसी ने भी ब्लैंक वर्ड्स यूज नहीं किया है एक्सेप्ट मिल्टन। अब हम शेक्सपियर की रोमांसेस और कॉमेडीज को डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर की कॉमेडीज में हम आमतौर पर फन, आयरनी, वर्ड प्ले देख सकते हैं। और शेक्सपियर अपने कॉमेडीज में डिस्गाइजेस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज और कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स का भी यूज करते हैं। और शेक्सपियर के कुछ बेस्ट नोन कॉमेडीज के नाम हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड सो ऑन। शेक्सपियर के कॉमेडीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जैसे लव, प्रीडोमिनेंट फीमेल रोल, ह्यूमर, म्यूजिक, रियलिज्म और रोमांस का मिश्रण, कॉम्प्लेक्स मूड्स और सटल कैरेक्टर्स। शेक्सपियर के कुछ प्लेस जैसे पेरिकल्स, चिम्बलिन, द टेम्पेस्ट और द विंटर स्टील, ये ना ही ट्रू ट्रेजेडीज हैं और ना ही ट्रू कॉमेडीज हैं। और बाद में शेक्सपियर के स्कॉलर्स इन प्लेस को कैटेगराइज करते हुए इन्हें रोमांसेस का नाम देते हैं। जैसा कि हम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में देखते हैं, उनके ट्रेजेडीज में बहुत वायलेंस होता है, लेकिन उनके रोमांसेस का टोन बहुत काम होता है। इन रोमांसेस का थीम फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलेशन पर बेस्ड होता है। शेक्सपियर की कॉमेडीज की ही तरह उनकी रोमांसेस की स्टोरी भी लव पर बेस्ड होती है और एंड में एक मैरिज के साथ खत्म होती है। अब हम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एसी ब्रेडली कहते हैं कि शेक्सपियर के पास कोई फिलोसॉफी नहीं था ट्रेजेडी लिखने का, बल्कि उनके पास ट्रेजेडी का सेंस था और उनके सारे ट्रेजेडीज कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरो को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये तो कुछ लव स्टोरीज हैं जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, जहां हीरोइन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में हीरो हमेशा अपर सोशल स्टेटस का होता है, जैसे हेमलेट एक प्रिंस था, लियर एक किंग था और ओथेलो एक जनरल था। और क्रिटिक एसी ब्रेडले शेक्सपियर की इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि शेक्सपियर ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जितना बड़ा हीरो का स्टेटस होगा, उतना ही इफेक्टिव उसका फॉल होगा, यानी उतना ही सोरोफुल उसका ट्रेजेडी होगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरो के डेस्टिनी पर सुपरनेचुरल और चांस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे हेमलेट में घोस्ट, मैकबेथ में थ्री विचेस और ओथेलो में
डेस्डिमोना का हैंकरचीफ ड्रॉप करना, ये सभी कैरेक्टर्स के ट्रेजेडी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सो हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिए कह सकते हैं कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। क्रिटिक एसी ब्रेडली कहते हैं कि किंग लियर का ट्रेजेडी उनके शॉर्ट साइटेडनेस के वजह से हुआ, यानी उन्होंने आगे क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचा। ओथेलो का ट्रेजेडी उनके क्रेडुलिटी की वजह से हुआ, यानी ओथेलो के आगे जो है वो उसे ही ट्रूथ मान लेता था। हेमलेट का ट्रेजेडी उसके डिसीजन ना लेने के कारण हुआ, और मैकबेथ का ट्रेजेडी उसके बड़े बड़े एम्बिशंस की वजह से हुई, और एंटोनी का ट्रेजेडी उसके ड्यूटी को निग्लेक्ट करना या कर्तव्य का पालन ना करने की वजह से हुआ। अब हम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं वो सभी ऑलमोस्ट राफेल हॉलेनसीड के क्रॉनिकल से इंस्पायर्ड होकर लिखे हैं, जो कि ट्रूथ, हीयरसे और मिथ का एक मिक्स्ड रिकॉर्ड है। शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, जैसे हेनरी 4, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6, उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, हेनरी 8, किंग जॉन, रिचर्ड 2 और रिचर्ड 3। और शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस लिखने का ये कारण था कि वो इंग्लिश मैन को इंग्लिश मैन होने का प्राउड फील कराना चाहते थे। अगर हम हार्डियन क्रेक को कोट करें तो उनके अनुसार शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस में इंग्लैंड ही हीरो होता है, और ये सभी प्लेस देशभक्ति की भावना से इंस्पायर्ड हैं। शेक्सपियर के वर्क्स ने आने वाले समय में थिएटर और लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, पर्टिकुलरली कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, लैंग्वेज और जॉनरा पर। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से पहले रोमांस को ट्रेजेडी का एक वर्दी टॉपिक नहीं माना जाता था, लेकिन शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के बाद बहुतों ने रोमांस के ऊपर ट्रेजेडीज लिखना शुरू किया। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अकेले में जितना वर्क इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है उतना और किसी राइटर ने अभी तक नहीं किया है। वो न केवल एज ए ड्रामेटिस्ट बल्कि एज ए पोएट भी सुप्रीम थे, जिनके लिए इमेजिनेशन की दुनिया हमेशा खुली रहती थी। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।